जा रहे हैं एकलव्य और द्रोण। तो स्वागत करते हैं हरिशंकर परसाई जी की दूसरी रचना एकलव्य और द्रोण। कृपया जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत करें। बात बहुत पुरानी नहीं है बल्कि अभी कुछ दिन पहले की है। एक विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के प्रतिष्ठित अध्यापक थे जिनका नाम क्षमा चाहते। हेलो, हाँ अम्मा मैं काम के लिए आई हूँ। हाँ, तुम्हें जो भी ठीक लगे बना लो। हाँ, टिंडे या करेले बना लो तुम। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ओ हेलो, क्या कर रही हो? ऑडियंस बैठी है। आई एम सो सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। नाटक के दौरान फोन की घंटी बजती है तो कितनी बाधा होती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें ताकि नाटक के दौरान कोई विघ्न ना पड़े। थैंक यू। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एक विश्वविद्यालय में। हाँ, एक विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के प्रतिष्ठित अध्यापक थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। अब रीडर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कक्षा में पढ़ाना तो नहीं आता लेकिन पाठ्य पुस्तक या कुंजी कक्षा में पढ़ाकर अपना काम चला लेता है। गुरु द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे, एक का नाम अर्जुन दास था और दूसरे का नाम एकलव्य दास। मैं पुनः दोहराती हूं, अर्जुन दास और एकलव्य दास। अर्जुन एक धनी बाप का बेटा जिसका समाज में प्रभाव था और वर्तमान राजनीति में दबदबा था। आचार्य रोज अर्जुन के घर से पढ़ाने जाते और अर्जुन भी कभी कभार अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज में आचार्य के घर पढ़ने चला जाता था। इन दोनों का साथ इतना घना था कि अगर कोई आंखें बंद करके आचार्य प्रभु की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आता और दुम की छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। एकलव्य दास गरीब आदमी का बेटा था इसलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम प्राप्त होता था लेकिन गुरु के प्रति उसकी सच्ची भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का चित्र टांग रखा था, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उनका फोटो लगा रखा था और दिन रात अध्ययन में लगा रहता। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब एमए एक ऐसी परीक्षा है जिसे पढ़ने के बाद कई वर्षों तक बेकार बैठना पड़ता। आई नो। उधर अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं आती बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए वो दिन रात गुरु की सेवा में लगा रहता। वो गुरु को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो आचार्य के बच्चों को शहर का सबसे महंगा घर एंटीलिया दिखाने ले जाता। उसने बच्चों के लिए शॉपर स्टॉप से कपड़े शॉपिंग की और साथ ही साथ बच्चों को एक्सबॉक्स गेम्स भी खरीद कर दी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन में कुछ ऐसा संवाद हुआ। हेलो, हाँ शिष्य, मेरे प्रिय शिष्य, सब तुम्हारे कहे अनुसार ही तो हो रहा है कर्ण। अरे तुम इतने होनहार हो कि तुम्हारे आगे 10 अर्जुन पानी भरे। गुरुदेव, अर्जुन आ गया है, अब मैं तुमसे व्हाट्सएप पे ही बात करूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव, बस उठो, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हाँ, ये तो आपकी मान्यता है गुरुदेव। गुरुदेव, आप यदि आप अन्यथा ना ले तो आपसे एक सवाल पूछूं। पूछ, तुझे पूरा अधिकार है, जो पूछना है पूछ। गुरुदेव, आपके घर राशन पानी कपड़ा सब्जी दूध दही रोज कौन पहुंचाता है? आप, तू ही पहुंचाता है, बस तू ही। आचार्य वर को मिशन मंगल दिखाने कौन ले गया था? तू ही ले गया था। गणपति पर आपके बच्चे को नए नए कपड़े और मिठाइयां कौन खरीद के देता है? तू ही देता है, बस तू ही। क्या कोई ऐसा शिष्य है जिसने आपके मुख पर आपकी तारीफ मुझसे अधिक करके आपके मन को खुश किया हो? नहीं, कोई नहीं। क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपके हृदय को ठेस पहुंचाया हो? कोई नहीं बचा। क्या ये सत्य नहीं कि आपके रीडर बनने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है? तेरे पिताजी का ही हाथ है बस। और आगे विभागाध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? बस तेरे पिताश्री की ही सहायता लेंगे, और कोई है ही नहीं। अरे जब आप मरण शैया पर थे तो कौन दिन रात आपकी सेवा करता था? अस्पताल के महंगे बिल किसने भरे? तू नहीं, बस और समझना ना कर मुझे। एक आखिरी प्रश्न, आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तू ही है, बस तू ही।
या आपके हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, या आपको किसने गिफ्ट किया? तूने ही दिया है, और शर्मिंदा न कर, तू ही मेरा सबसे महान शिष्य है। तेरे जैसा शिष्य न विश्व में हुआ है न कभी होगा, ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ मैं। तो मुझे वचन दीजिए गुरुदेव कि मैं ही फर्स्ट क्लास पास हूँ और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाऊं पढ़ने के लिए। गुरुदेव मुझे वचन दीजिए। वचन तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या है कि एकलव इसमें बाधक है, वो तुमसे ज्यादा कुशल होती और परिश्रमी है। मैं कुछ नहीं जानता गुरुदेव, मैं तो बस इतना जानता हूँ यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु महिमा भंग हो जाएगी, आगे कोई भी शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और यह धम्म परंपरा आरंभ करने का कलंक आप पर लगेगा, सिर्फ आप पर। आचार्य फिर सोच में पड़ गए, धीरे धीरे उनके मुख पर दृढ़ता, गुरुदेव दृढ़ता, लगता था वो किसी ठोस निर्णय पर पहुंच गए। शिष्य तू बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं तुझे वचन देता हूं तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, बस। पर क्या गुरुदेव? सोच रहा हूँ, संकोच में हूँ, तुझसे कहूँ कि न कहूँ? संकोच मत कीजिए गुरुदेव, आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, आदेश। फिर भी संकोच तो है। अरे आप आदेश कीजिए ना गुरुदेव, आप आदेश कीजिए। धैर्य रख, ये कुछ वस्तुएं हैं तेरी गुरु माँ ने कही हैं, अगर तू ला सके तो। स्मार्ट टीवी 65 इंच, अगर ला सके तो। डबल डोर फ्रिज, अगर ला सके तो। मैकबुक प्रो, अगर हो सके तो। करना पड़ेगा, लाता हूँ गुरुदेव। ये कुछ राशन पानी जो तू लाया है ये गुरु माँ के पास पहुंचा देना, राशन खत्म हो गया था घर पे इसीलिए तुझे भेजे गुरुदेव। a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab। एकलव, ये तो गुरुदेव की आवाज है। नहीं गुरुदेव यहाँ से। a plus b whole square। एकलव गुरुदेव, तूने अपने फोन पर मेरा चित्र क्यों लगा रखा है? क्योंकि आप ही मेरे गुरुदेव हैं। और तू मेरी कुंजी सिरहाने रखकर क्यों सोता है रोज? इसलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्न उत्तरों में सिमट कर रह जाए। गुरुवर, अगर तू मेरा शिष्य है और तू शिष्य होने का दावा करता है, मैं तेरा गुरु हूं, तो मेरी गुरु दक्षिणा दे। मैं क्या दे सकता हूँ गुरुवर? ना मेरी किराने की दुकान है, ना होजरी की। मेरे पिता से भी ईमान बेइज्जती नहीं बना, इसलिए मैं निर्धन हूँ। मैं वो चीज मांगता हूँ तेरे पास है। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है गुरुवर जो मैं आपको दे सकूं। मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये ले, सुपारी काटने का सड़ोता और काट दे अंगूठा। अंगूठा तो मैं आपको सहर्ष काट कर दे दूं, लेकिन यह आपकी किस काम आएगा? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। मैंने अर्जुन को वचन दिया है कि वो प्रथम आएगा, लेकिन जब तक कोई विफरे में सामर्थ्य है वो प्रथम नहीं आ सकता। अर्जुन प्रथम आ सके इसीलिए मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। इसलिए सड़ोता काट दे अंगूठा। गुरुवर, दाहिना अंगूठा कटने से भी आपका ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बाएं हाथ से उसी कुशलता से लिख सकता हूँ। जब मैंने होश संभाला और मैंने अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया कभी ना कभी कोई ना कोई गुरु मेरा दाहिना अंगूठा मांगेगा। और तभी से मैंने अपने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। हाँ, दोनों अंगूठा कटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठा कटवाने की परंपरा नहीं है गुरुवर। मतलब पापी नीच, तूने तो गुरु द्रोह किया है, इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा। गुरुवर, परीक्षा पास करें, मुझे पढ़ने दीजिए। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू। गुरुवर, पढ़ने दीजिए। गुरुदेव, क्या हुआ गुरुदेव? मैं एकलव का अंगूठा नहीं ले सका। क्या? लेकिन मेरे पास दूसरे दाव है जिससे वो बच नहीं सकता। वो क्या? तेरा है, तुम्हारा एक पेपर मेरे पास जांचने के लिए आने वाला एक देवदत्त शर्मा के पास है। उन दोनों पेपरों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर दिला दूंगा। वो तो एक लंबे से आगे निकल जाएगा, उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसका सारा परिश्रम सारा दिन धरा का धरा रह जाएगा। सोच कर आप महान है गुरुवर, आप महान है गुरुवर। चले सीसीडी चलते हैं, आपको कैपेचिनो पिलाता हूं। बहुत सुना है कैपेचिनो। हाँ, कभी पी नहीं होगा ना। कैपेचिनो चीन और कैपेचिनो।
अर्जुन दास निश्चिंत हो गया। उसे अपनी गुरु की क्षमता पर पूरा विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। पेपर हो, एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट था। उसे गुरु कृपा से प्राप्त थी। लेकिन ये क्या, जब अंतिम पेपर देकर अर्जुन लौटा तो आचार्य मोनट गाय आ रहे थे। गुरुदेव, क्या हुआ गुरुदेव? मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं। अब कोई भी गुरु, कोई भी शिष्य अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेगा। आने वाले गुरु की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेंगी। पर हुआ क्या है गुरुवर? अरे क्या बताऊं क्या हुआ है। तुम्हारा पेपर चाशनी के लिए न मुझे मिला, न देवदत्त शर्मा को। गुरु कुलपति ने किसी अज्ञात व्यक्ति को पेपर चाशने को दे दिए। ये कैसे हो सकता है गुरुवर? अरे पेपर जांचने के लिए किसके पास जाना था, ये तो आपने ही तय किया था। आपने तय किया था, मुझे ही तय करना था। लेकिन उस एक लपने साले ने हमारी रिपोर्ट कर दी। आचार्य वर, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? हाँ, लेकिन वो पुण्ययुग था, ये पापयुग है। उस एकलव्य ने हंसते हंसते अपने गुरु का अंगूठा काट के दे दिया था। उस एकलव्य ने तो अंगूठे को ही गुरु को ही अंगूठा दिखा दिया था। गुरुवर, मैं परीक्षा में प्रथम आया। गुरुवर, मैथ्स में 80%, अंग्रेजी में 90% और हिंदी में 95%। गुरुवर, नीच पापी, तूने गुरु दो किया है, इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में 95 है। छोड़ियो, लेते हैं आईफोन निकाल लिया। आईफोन दीजिए। अरे ऐसा मत कर, मेरे सारे नंबर इसमें है। अरे अर्जुन, गुरुवर आपका सरोता। बंद रख ले सरोता। अर्जुन, समय बदल गया है। आज ना द्रोण जैसे गुरु रहे, नहीं एकलव्य दास जैसे शिष्य, लेकिन रिश्वत देकर अपना उल्लू सीधा करवाने वाले अर्जुन दास जैसे लाखों घूम रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना और राष्ट्रहित के बारे में सोचना। जय हिंद, जय भारत।